नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक मौसम में परिवर्तन की संभावना बन रही है। इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार 1 फरवरी को उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 30 जनवरी को पटना समेत अन्य भागों में घना कोहरा और उत्तरी भागों के अधिसंख्य स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी रही। हालांकि धूप ने दिन में लोगों को ठंड से राहत जरूर पहुंचाई। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 6 फरवरी को प्रदेश के तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बता दें कि आमतौर पर 20 से 30 जनवरी के बीच हर साल दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में बारिश होती रही है, लेकिन इस बार मैदानी इलाकों में कोई बारिश नहीं हुई और अब तक सीजन में सूखी ठंड ही रही है। हालांकि अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बुधवार यानी कि 31 जनवरी से 4 फरवरी तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव होगा और अब 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूर्वानुमान केवल सामान्य जानकारी के लिए है, वास्तविक मौसम स्थिति इससे भिन्न भी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप मौसम विभाग की वेबसाइट या ऐप भी देख सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।